यह है बदले माहौल का सकारात्मक असर। दशकों तक गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा प्रबंधन उद्योगों की राह तकता था। उसे इन दिनों बड़े पैमाने पर आ रहे निवेश प्रस्तावों के मुताबिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अपना गीडा भी नोएडा की तरह उद्यमियों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि गीडा ने रेडीमेड गारमेंट का हब बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा दिया है। यहां करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को केंद्र सरकार से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। जल्द ही इसकी स्थापना के लिए टेंडर जारी कर 3 माह में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं, 101 भूखंडों में विकसित होने वाले रेडीमेड गारमेंट पार्क के लिए 40 उद्यमियों ने जमीन का पैसा जमा कर दिया है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि गीडा में स्थापित होने वाली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को केंद्र सरकार के MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से 25 जुलाई को अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है। फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। इसमें से 12 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में मिलेंगे, जबकि शेष धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। गीडा के CEO का कहना है कि जल्द ही फ्लैटेड फैक्ट्री के निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिया जाएगा। 3 माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करा देने की तैयारी है। फ्लैटेड फैक्ट्री में रेडीमेड गारमेंट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों को सुविधायुक्त हाल उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वे कम पूंजी में भी आसानी से काम कर सकें। फ्लैटेड फैक्ट्री में लगने वाली करीब 80 औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। उधर गीडा में रेडीमेड गारमेंट पार्क की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसके लिए 101 भूखंड विकसित किए गए हैं। इन भूखंडों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी 50% से अधिक पूरा कराया जा चुका है। अनुमान है कि यहां लगने वाली रेडीमेड गारमेंट यूनिट्स में करीब 2,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह सर्वविदित है कि सुदृढ़ कानून व्यवस्था निवेश के लिए अनिवार्य शर्त है। बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई तो निवेशक भी आकर्षित हुए। इसका फायदा गीडा को भी मिल रहा है। रेडीमेड गारमेंट की फ्लैटेड फैक्ट्री को लेकर उद्यमी उत्साहित हैं, तो वही रेडीमेड गारमेंट पार्क में भूखंड के लिए 40 उद्यमियों ने धनराशि जमा कर दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेराकोटा के बाद रेडीमेड गारमेंट को गोरखपुर के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना में शामिल किया है। अक्टूबर 2020 के अंत में ODOP में शामिल किए जाने के बाद इस सेक्टर में उद्यमियों का रुझान तेजी से बढ़ा है। उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए रेडीमेड गारमेंट पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री की कार्ययोजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। CM योगी की मंशा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट का हब बनाने की है। ODOP के तहत रेडीमेड गारमेंट यूनिट लगाने पर सरकार 20 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। यूनिट लगाने को आवेदन करने पर किसी भी राष्ट्रीयकृत या अन्य शेड्यूल्ड बैंक से लोन मिल सकता है। लोन के सापेक्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन MSME विभाग की ओर से मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। 25 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए कुल परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख रुपए से जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में देने की व्यवस्था है। 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए धनराशि 6,25,000 रुपए अथवा परियोजना लागत का 20% जो भी अधिक हो मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी। 50 लाख रुपए से 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए तक की परियोजना लागत की इकाइयों के लिए 10 लाख या परियोजना लागत का 10% में से जो भी अधिक हो वह मार्जिन मनी के रूप में मिलेगा। 150 लाख यानी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों के लिए परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 20 लाख रुपए में से जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी।